स्वागत आपका नए ब्लॉग में। तो अभी मैं छत पर आया हुआ था, छत पर आकर देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कि ऐसी तपती गर्मी में जो ये अपने पक्षी होते हैं प्यासे रह जाते हैं। इस बीच पानी तो ज़्यादा मिल नहीं पाता उनको, नहर भी सूखी पड़ी है। तो इस बीच हम सोच रहे हैं कि कोई कैनी मिल जाए या कुछ बर्तन मिल जाए, उसमें पानी रख दें यहाँ पर, जो कि पशु पक्षियों को पानी पीने में मदद मिल जाए। अपने नीचे भी रखा हुआ है बाल्टी में डालकर, जो भी पशु आता है उनको पानी पिला देते हैं। और अब पक्षियों के लिए ऊपर रखते हैं पानी, तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमको अब पानी डालने के लिए। यहाँ पर ये कबाड़ रखा हुआ है जो कि कबाड़ी को देना था, उसमें से हम ये कैन चूज कर लेते हैं। इसमें सही आ जाएगा पानी, यहाँ से फूटी हुई है ये, इतनी काट देंगे इसको, यहाँ आधा कर लेंगे इसको। तो अपने चाकू ले आते हैं नीचे से, चाकू तो ले लिया मैंने, अब काटते हैं इसको कैनी को। ये कैनी रखी है अपनी, अब इसको काटेंगे। अपनी कैनी तो कट गई, अब पानी डालते हैं इसमें। पानी आएगा पहले, थोड़ा गर्म आएगा फिर आओगा ठंडा। पानी तो डर गया, अब इसमें अब रख देंगे किसी जगह पर, छाया में रख देंगे वहां पर। ये अपने यहाँ रख दिया, वहां पर काम पर लगे हुए हैं मिस्त्री।